बैजनाथ में नेशनल हाईवे या संपर्क सड़क मार्गों के किनारे बने मंदिरों की आड़ में पैसा कमा रहे लोगों की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने उचित कार्रवाई आरंभ कर दी है। प्रशासन को शिकायत आई थी कि बाहरी राज्यों के लोग यहां पर बनाए गए मंदिरों के बाहर पैसा ऐंठने के लिए दान पात्र रख रहे हैं। ये लोग माह में दो बार आकर उन दान पात्रों का धन एकत्रित कर चले जाते हैं। वे इस पैसे को लेकर क्या करते हैं ये भी पता नहीं है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन मंदिरों की सूची तैयार करके इनके रख रखाव करने वाली कमेटी या लोगों से संपर्क बनाने की बात की है। एसडीएम विकास शुक्ला के अनुसार आई शिकायत के बाद उन्होंने स्वयं बैजनाथ में अवेरी तक बने मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ठारू के पास बने मंदिर के दान पात्र को सील भी कर दिया। उन्होंने दौरे के दौरान पाया कि हर मंदिर के बाहर ताला बंद संदूक रखे गए थे। इसको लेकर उन्होंने राजस्व विभाग को इस संबंध में जहां जहां मंदिर बने हैं उनका पता करने को कहा है। गौर रहे कि नेशनल हाईवे के किनारे जो भी मंदिर बनाए गए हैं वे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की आस्था से बनाए गए हैं। इसमें अधिकतर मंदिर हनुमान या शनिदेव के हैं। एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि अगर मंदिर कमेटी द्वारा चलाया गया है तब तो कोई बात नहीं, अगर दो लोग मंदिर को चला रहे हैं तो उस धन को गौ सदन के कार्य में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमको एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसके हिसाब से बाहरी राज्यों से कुछ लोग आते हैं, उन्होंने छोटे छोटे नेशनल हाईवे पे इलीगल मूर्तियां रख दी हैं और गल्ले रख दिए हैं जिसमें लोग पैसे चढ़ाते हैं और बाद में वो एक राउंड लगाते हैं और सारे अपना पैसे कलेक्ट करके चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमने इसको सील किया कि मंदिर के जो गल्ला है, यदि ऐसा कोई लीगल मंदिर होगा जिसमें कोई ट्रस्ट वगैरह बनी हुई है, कोई गांव वाले संचालन करते हैं, तो हम अदरवाइज उसको सोचेंगे। परंतु अगर ये कोई ऑर्गेनाइज्ड माफिया का काम है तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं किया।